हेलो दोस्तों, फिर से मानल्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। और ये सब आपको हेलो बोल रहे हैं हमारी तरफ से। और अब हम जाएंगे महोत्सव देखने। ये नंदीश भी आपको हेलो बोल रहा है, देखिए। और पहले हम जाएंगे, यहाँ का जो मेन आकर्षण है वो है श्री प्रमुख स्वामी महाराज की। ये जो मूर्ति हमें दूर से दिखाई दे रही है वो है, तो पहले हम यहाँ का दर्शन करेंगे। और हम जा रहे हैं गेट नंबर 2 से। यहाँ पर ऐसे 7 गेट बनाए गए हैं और ये पूरा महोत्सव 600 एकड़ ज़मीन में बनाया है। और यहाँ पर 6 महीने से सब भक्त बहुत ही मेहनत से ये काम कर रहे हैं। कई भक्त तो विदेश से भी आए हैं अपनी नौकरी छोड़ के। और प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन के दौरान कई लाखों लोगों को व्यसन से मुक्ति दिलवाई और कई लोगों को अच्छे संस्कार दिए हैं। और ये बहुत ही महान संत है हमारे हिंदू संस्कृति के। यहाँ पर ऐसे कई आकर्षण है जो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो 2-3 दिन भी कम पड़ जाए ऐसा सब कुछ देखने को मिला हमको, लेकिन हम एक ही दिन के लिए आए थे तो हमें पूरा देखने को नहीं मिला है। लेकिन जितना भी हमने देखा हम आपको दिखाएंगे ये सब। और ये जो बहुत ही कलात्मक फूलों का गेट है, इनसे हम जा रहे हैं मूर्ति के दर्शन के लिए। देखिए यहाँ पर ऐसे अगल बगल में 2 कलश बनाए जो हमारे भारतीय संस्कृति के शुभ प्रतीक माना जाता है। और सब शुभ कार्यों में ये अवश्य हम रखते हैं कलश। देखिए, और ये है श्री प्रमुख स्वामी महाराज की। और पूरा ये जो गोलाकार है वो पूरा ऐसा गार्डन बनाया है फूलों का, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही मेहनत वाला काम है। और देखिए ये मूर्ति कितनी ऊंची है, इनकी हाइट देखिए। और अंदर पूरा उनका जो जीवन चरित्र है स्वामी जी महाराज का, इनकी सब झलकियाँ दिखाई है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही भीड़ है, देखिए। दूसरा है यहाँ का खास आकर्षण, दिल्ली स्थित जो अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर है, यहाँ की प्रतिकृति भी यहाँ बनाई है। वो भी बहुत ही आकर्षक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ग्लो गार्डन है जो रात को बहुत ही अच्छा दिखेगा, तो वो भी हम इनका अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे। और बच्चों का विभाग है, यहाँ पर हम जाएंगे अभी ये देखने के बाद। देखिए कितना अच्छा गार्डन बनवाया है। रंगोली की तरह सब सजाया है। और हम यहाँ का एक यादगार तस्वीर सब साथ में खिंचवाते हैं। ये मेरे भाई भाभी है, इनका बेटा और बहू है। इधर छोटा भाई भाभी है, दोनों बहनें हैं, मालव है। और हम पिंडल को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी एग्ज़ाम चल रही है तो वो हमारे साथ नहीं आ पाई है। नंदिश देखिए,
देखिए कितना अच्छा लग रहा है कलश भी। और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से परेड निकलेगी, जो हर रोज निकलती है। देखिए ये परेड है, नंदिस को मालों ने अपने कंधे पे बिठा लिए परेड देखने के लिए। और ये जो वृक्ष है वो रात को लाइटिंग में बहुत ही अच्छे लगेंगे, इसमें भी लाइटिंग की गई है। बहुत ही मेहनत का और लगन का काम है ये सब, आप जरूर देखना दूसरा वीडियो में ये गोल।